आपको भी इतनी जो महान आत्माएं हैं बैठे हैं, आपसे बहुत बड़ी तपस्वी रहेंगे कई जन्मों में, आपको नहीं मालूम है लेकिन होंगे पक्का, क्योंकि इसमें जो है जो कई जन्मों में तपस्या करते हैं उन्हीं को शिव बाबा की प्राप्ति होती, नहीं तो नहीं हो सकता। हो सकते इस जन्म में हम लोग साधारण भी हो सकते हैं, बहुत से बुरे व्यसनों में ग्रसित रहे होंगे, कुछ ऐसा कर्म रहा होगा, लेकिन बाबा के तो सब महान आत्मा है, कोई साधारण हो ही नहीं सकते। जो दिल से बाबा कहेगा, कई जन्मों में शिव पिता शिव भगवान को शिव भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए बहुत जबरदस्त उन्हीं को बाबा ही मिलता, वो सब आप सब आत्मा है। कई बार हमारे खुद का इंपॉर्टेंस हमें नहीं मालूम रहता, महत्व नहीं मालूम रहता। हम लोग क्या करते हैं, लोअर कॉन्शस में जीते, साधारण कॉन्शस साधारण स्मृति में जीने के कारण जो हमारा हायर कॉन्शस होना चाहिए, ऊंची स्मृति होनी चाहिए, श्रेष्ठ स्मृति होनी चाहिए, वो नहीं रख पाते। इसलिए मुरली के द्वारा बाबा बार बार समझाते हैं, आप पूर्वज हो, आप देवी देवताएं थे, आप परमात्मा के संतान हो, परंधाम में रहते थे, आप जैसे रॉयल दुनिया में कोई हो नहीं सकता, आप जैसे पूज्य दुनिया में कोई हो नहीं सकता, है ना। कितना बाबा हमारे समानों को स्मृति के साथ देते हुए हमें श्रेष्ठता को अनुभूति कराते हुए हमें इतना ऊंचा ले जाता है। तो